Hello and welcome to the channel. The ITA Awards का आज हम सीन पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जो कि है रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट का जनरल नॉलेज. तो देखेंगे क्या होने वाला है जनरल नॉलेज. वेल आलिया भट्ट और रणवीर को लास्ट टाइम मैंने जो जिस मूवी में देखा था वो थी गली बॉय, जिसमें वो अपन के बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेंगे वो वाला. और उससे पहले मैंने इन दोनों का गठन नहीं देखा, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा मूवीज और दोनों ने बहुत कमाल की मूवीज दी हैं. आलिया की जिसना भी गंगूबाई आई है और उससे पहले बद्री या फिर वो सा हम्टी शर्मा की दुनिया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया, एवरीथिंग जबरदस्त. रणवीर सिंह दोनों एक्टर्स बहुत कमाल के हैं. तो अब देखते हैं कि जिस तरह ये एक्टिंग में कमाल की, इनका जनरल नॉलेज भी उतना कमाल का है. तो करते हैं वीडियो स्टार्ट. आई एम सो एक्साइटेड यार, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत एंटरटेनिंग होने वाली है वीडियो. तो वीडियो करते हैं प्ले. लेकिन वीडियो प्ले करने से पहले हमारे चैनल पर जो न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड हिट द बेल आइकन. लेट्स प्ले. गेस करो भाई, गेस करो भाई. बहुत बढ़िया. ये मैं कोई भी होता ना आपकी जगह मैं मानता ही नहीं, बट सही है ये गाना. पता नहीं इसमें ऋत्विक, पता नहीं अनुराग सर का टैलेंट है या आलिया उतना दूर से ये पढ़ ले रही है. भाई लेकिन यार दद्दू के म्यूजिक के लिए जोरदार ताली बजाओ. अच्छा आपने सारे आंसर दिए. अब एक सिंपल सा टफ सवाल आपसे, ये लीजिए पूछिए. तो सवाल इधर नहीं है, सवाल इधर है. आपको कुछ इमोजी दिखाए जाएंगे. हां जी. वो देख के आपको गेस करना है कि सीरियल का नाम क्या है. ओके. और रणवीर सिंह भाई ऐसे बैठ के जवाब नहीं देता, खड़े चल चल. अरे यहां पे मेरे भाई, यहां पे आओ. यू आर द मैन एवरीबॉडी. रणवीर सिंह. नाइस. ओहो हेलो. हाय. हेलो. हाउ आर यू? आई लव यू ऑल. ना कोई मंजिल है ना कोई, फिर भी निकल पड़ा हूँ बांद्रा से. रणवीर बोलो. वी आर रेडी. एवर रेडी. एवर रेडी. द इमोटिकॉन. ये कौन सा सीरियल है? लाल बिंदी छोटा बच्चा. लाल बिंदी छोटा बच्चा नहीं, बच्चा भाग रहा है. बच्चा भाग रहा है लाल बिंदी की तरफ भाग रहा है. लाल बिंदी को और क्या कहते हैं? हाँ उसको कहते हैं कुमकुम. हाँ और अगर बच्चा भाग रहा है तो कुमकुम भाग गया. क्या बात है. लेकिन ये मैंने अपने आप नहीं किया, ये मेरी जो टीममेट है जो आजकल बहुत फॉर्म में है, एक बार गंगू बाई के लिए. लेकिन अगले वाले में भी आपकी टीममेट की जरूरत पड़ेगी. ये रहा अगला वाला सवाल. ड्रामा सीरियल पे जाना है. कहानी का घर. घर घर की. अरे ड्रामा क्या. कहानी घर घर की. कहानी घर घर. क्या बात है. आउटस्टैंडिंग. कहानी घर घर की. ये बहुत बढ़िया है. मेरा फेवरेट शो. एक और डाल लिया. हां ये क्या है? समंदर आंखें डी. ये तूफान है. सीआईडी. कुछ मिल रहा है. I'm guessing all this. कुछ दो प्राइस. आपको बिल्कुल मिल रहा है जो आपको चाहिएगा. नहीं हमसे हग. आखिरी वाला. कश्ती के मेल बोट है के और कोई बास्केटबॉल खेल रहे. खतरों के खिलाड़ी. मुझे तो बहुत अच्छे लगे. एक छोटा सा सीन था 3 मिनट का क्लिप, बट वाकई में आलिया भट्ट फॉर्म में ही थी एज रणवीर सेड. मुझे वो कितना अच्छा लगा जब वो चेयर पे खड़े हो गए ना. आलिया भट्ट वाज कंस्टेंटली सपोर्टिंग हिम कि वो गिर ना जाए. इवन वो खुद खड़ी होगी, मतलब ये कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है. और कितने फॉर्म में थी. वो कहती ना कि आज मेरी रणवीर पहले कहता मेरी टीम साथ करण जौहर और आलिया बैठे हुए थे. मतलब करण जौहर और आलिया बेस्ट फ्रेंड्स हैं. ये बहुत सीक्रेट्स और गॉसिप्स शेयर करते हैं. तो वही कह रही थी कि आज ये हेल्प कर रहे हैं.
और आलिया ने तो वाकई में, क्योंकि एक फिल्म एक्ट्रेस है और उसको सीरियल के नाम आते थे, बहुत बड़ी बात है। एक था कुम कुम भाग्या, सी आई डी खतरों का खिलाड़ी, और इत्तेफाक से ये चार शोज हमने भी देखे हुए, हमें भी इनके बारे में पता है। तो ओवरऑल काफ़ी मज़े का नॉलेज था। और टीवी इंडस्ट्री से भी आर्टिस्ट आए, जैसे सूर भी आई थी नागिन वाली, जैसे नागिन नागिन 3 या 4 में वीर और बानी वो है ना, वो कैरेक्टर किया था। और उसके अलावा भारती सिंह और सब ही आए हुए थे मोस्टली। और लेकिन क्योंकि और ये देखो कितनी अच्छी बात है, पहले बहुत पहले जिस तरह हम आईफा अवार्ड देखते थे फिल्म से रिलेटेड होते थे, अब जो सीरियल्स और जो ड्रामा सीरियल्स के जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी अवार्ड आना शुरू हो गए, और दोनों आ रहे हैं, फिल्म के आर्टिस्ट भी और ड्रामा के आर्टिस्ट भी। और इसी अवार्ड में मैंने सुना था कि ना आलिया भट्ट को अवार्ड मिला है डेकेड का, जो 10 ईयर्स की बेस्ट एक्ट्रेस रही है, और वह बनना भी चाहिए थे 2012 से 2022 तक, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से गंगूबाई तक का जो जर्नी है ना आलिया भट्ट ने, जबरदस्त, एक से बढ़कर एक, कोई मूवी फ्लॉप नहीं दिया आलिया ने। वो बीच में से एक सड़क टू वो जो नेपोटिज्म की वजह से और वो सुशांत की डेथ की वजह से वो एक कह सकते हैं बॉयकॉट ट्रेंड चला हुआ था, वो उससे हट के इसने एक्टिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और ये वाहिद बेशक ये लोग कहते हैं नेपो किड है, स्टार किड है, वो है, लेकिन एक्टिंग भी तो बहुत अच्छी कर रही है। तो वो एक्टिंग वाकई में एक्टिंग की बादशाह है, कोई इसने जॉली कैरेक्टर करना हो, कुछ सीरियस कैरेक्टर करना हो, हंसाने वाला, रुलाने वाला, वो एक हाईवे में इसने वो जो चाइल्ड अब्यूज के ऊपर किया था, वो जो चीखती है और किडनैप, बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है और इसकी ये डिजर्व करती है एक डेकेड अवार्ड। और जितना इसको अप्रिसिएशन मिल रही है, जितना ये अर्न कर रही है अरबों में, और उस हिसाब से उतनी डाउन टू अर्थ है, कितनी फ्रेंडली आ रही है, अच्छे तरीके से मिल रही है। तो अगर इसकी वजह कोई और एक्ट्रेस होती ना, वो क्या करती, वो थोड़ा हवाओं में उड़ जाती, बट ये बहुत डाउन टू अर्थ है आलिया, और हर एक साथ फ्रेंडली। तो जनरल नॉलेज भी अच्छा था, हालांकि फिल्म नहीं थी ये टीवी का था सीरियल था, इसने उसमें भी बहुत अच्छे आंसर्स दिए। तो डेफिनेटली हम आगे भी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करेंगे, आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं अवार्ड्स शोज, कॉमेडी शोज, कोई भी, तो हम डेफिनेटली उस पर करेंगे रिएक्ट। इस वीडियो को करना है शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को करना है लाजमी सब्सक्राइब। गुड लक।